तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम आए हैं अलबेग और आप सबको पता है कि कल रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इसलिए हम सब ने इतना किया कि आज अलबेग का थे। तो मेरे साथ आप लोग देख सकते हैं अली है और हसनैन और अहमद और अनीस जो है ऑर्डर देने के लिए अंदर गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत मौसम है और हवा भी जो है बहुत ठंडी चल रही है और अब हम जा रहे हैं नीचे और ये आप लाइटिंग भी देख सकते हैं बिल्डिंग्स की के कितने खूबसूरत लग रहे हैं और वो आपको सामने नज़र आ रहा है लाइटिंग जो है वो रमज़ान के लिए स्पेशली जो है वो किया है और अनीस खान जो है ऑर्डर लेने के लिए खड़ा है और हम नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि रमज़ान के लिए यहाँ पर किस तरह की जो है लाइटिंग की है और यहाँ पर जो है छोटे छोटे शॉप्स जो है वो खोले गए हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और आपको दिखाता हूँ और ये यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए रखे हैं। तो चलिए जाते हैं और आपको दिखाते हैं वो यहाँ पर शॉप्स के किस तरह के शॉप्स बनाए गए हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर जो है बहुत तेज़ हवा चल रही है और यहाँ साइड पर समंदर है तो इसकी वजह से और जगह भी थोड़ी खुली है और आप लोग जो है अली के शर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने तेज़ हवा है, अली का शर्ट किस तरह लहरा रहा है। और ये सामने जो है आपको नज़र आ रहा है यहाँ से शॉप जो है वो शुरू होते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा और आपको दिखाता हूँ कि शॉप्स में जो है क्या क्या मिलता है और खाने की चीज़ें भी यहाँ पर होती है। तो चलिए देखते हैं और वो सामने आपको नज़र आ रहा है वो है अलबेग। आप लोग देख सकते हैं स्पेशली जो है वो रमज़ान के लिए इन लोगों ने ये शॉप सारे जो है वो खोले हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह के ये सारे शॉप्स हैं और लाइटिंग भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं अली। और यहाँ से अंदर जाते और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर शॉप्स जो है इसमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं, ये आप लोग सामने देख सकते हैं ये चेस के गेम के लिए लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो है वो छोटे छोटे शॉप्स है यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है एनी आइटम 3 दिरहम्स। और ये अब आए हैं स्पेशल्स फॉर लेडीज, बहुत ही खूबसूरत जो है वो छोटे छोटे से स्टॉल्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो है स्पेशली रमज़ान के लिए बनाया है, ये अलमजाज है जहाँ पर हम अक्सर हम आते रहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये सारे स्टॉल देख सकते हैं कितने खूबसूरत जो है वो लग रहे हैं और ये जो है स्पेशली रमज़ान के लिए बनाए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं जिस तरह के पाकिस्तान में बने होते हैं नमक से, उसमें भी लाइटिंग की है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आई थिंक ये शॉप जो है यहीं तक थे, अब सामने जो है वो फिनिश हो चुका है ये सारे जो वो शॉप्स थे। तो अब यहाँ पर ये छोटा सा फाउंटेन है आपको वो भी दिखाता हूँ और फाउंटेन को भी आप लोग देख सकते हैं और उसका जो आवाज़ है ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम वहाँ पर गए थे लेकिन वहाँ पर जो शॉप्स थी वो ख़त्म हो गए थे और यहाँ पर हम जा रहे हैं वापस अलबेग की तरफ, शायद हमारा ऑर्डर जो है वो रेडी हो चुका है और वो भी आप लोग देख सकते हैं एक बैलून टाइप कुछ बनाया है। आप लोग खुशबू तो नहीं सुन सकते लेकिन यहाँ पर जो है वो मिसाले भी हैं जो कि यहाँ पर सेल हो रहे हैं और ये बच्चों की जो है वो सूट्स भी हैं। यहाँ पर हर किस्म के स्टाल है, बड़ों के कपड़े वगैरह, बाय वगैरह और परफ्यूम्स वगैरह, ये सारे जो है मिसाले वगैरह जो भी है वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये बच्चों के लिए टॉयज भी देख सकते हैं, ये आप लोग बेडशीट्स भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलरफुल है और ये अबाय वगैरह जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं और बच्चों के लिए जो सूट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर तकरीबन हर किस्म के कपड़े वगैरह है, शर्ट्स वगैरह है जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बुक्स भी सेल हो रहे हैं और परफ्यूम्स भी आप लोग देख सकते हैं, ये बच्चों के सूट्स जो है दोबारा आ गए हैं। और यहाँ पर जो है ये शॉप्स वगैरह जो है ख़त्म हो जाते हैं और हम वहाँ पर जाते हैं
ताकि आपको दिखा सकूँ कि अल्बेक के बर्गर्स वगैरह किस तरह के होते हैं। तो चलिए जाते हैं वहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम वापस आ गए हैं और ये रहा हमारा ऑर्डर। तो अब चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के बर्गर होते हैं अल्बेक के। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा बर्गर और आपको दिखाता हूँ अंदर से कि किस तरह का जूसी बर्गर है। आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और लजीज बर्गर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी और बर्गर लवर जो है वो आज ये वीडियो ना देखे, क्योंकि आज रोज़ा है तो फिर मुँह में पानी आएगा। तो इसके लिए मेरे तरफ से माजरत। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।